Hello everyone, welcome back to Jiang's formula to healthy lives. In case आप सोच रहे हैं कि इस जियांग का मतलब क्या है, grandmother यानी कि नानी को मुंडारी भाषा में जियांग कहते हैं, तो आज हम चॉकलेट केक बनाएंगे। इसमें हेल्दी क्या है आप पूछेंगे। इसकी खासियत ये है कि हम इसे बिना मैदे और चीनी के बनाएंगे, जो कि टेस्ट के साथ साथ आपका हेल्थ का भी ख्याल रखेगा। तो पेश है हेल्दी रागी चॉकलेट केक। केक के लिए हमें चाहिए 1 कप गेहूं का आटा, 1 कप रागी का आटा, 1 कप ग्रेटेड गुड़, 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 2 टेबलस्पून कोकोआ पाउडर, 100 ग्राम बटर, 1 कप दूध, 2 अंडे और कुछ ड्राई फ्रूट्स चॉकलेट एसेंस के साथ। चॉकलेट सिरप बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कप दूध, 1/2 कप ग्रेटेड गुड़, 2 टेबलस्पून्स कोकोआ पाउडर। सबसे पहले हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करेंगे। पहले रागी फ्लार, फिर व्हीट फ्लार, कोको पाउडर, बेकिंग पाउडर और फिर लास्ट में बेकिंग सोडा डालेंगे और इन सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स करके हम साइड में रख देंगे। अब बारी है वेट इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करने का। सबसे पहले हम एक मिक्सिंग बाउल में बटर डालेंगे। इसे मैंने पहले से ही मेल्ट किया हुआ है। अब इसमें अंडे डालेंगे। अगर आप वेजिटेरियन हैं या फिर अंडा प्रिफर नहीं करते तो आप अंडे के जगह 1/2 कटोरी दही भी डाल सकते हैं, लेकिन बाय पर्सनल एक्सपीरियंस अंडे के बने हुए केक ज़्यादा सॉफ्ट और फ्लफ़ी बनते हैं। अब हम इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने इन दोनों को मिक्स करने के लिए हैंड हेल्ड ब्लेंडर भी यूज़ किया है। आप करीब से इसे देखेंगे तो आपको इसमें से एयर बबल्स निकलते हुए दिखेगा। इससे केक सॉफ्ट और फ्लफ़ी बनता है। अब जब इस मिक्सचर को आपने अच्छे से मिक्स कर लिया है, अब हम इसमें ग्रेटेड जैगरी मिलाएंगे और इसे भी अच्छी तरह से इस मिक्सचर में मिला लेंगे। आप इसे तब तक मिलाते रहें जब तक जैगरी पूरी तरह से इसमें घुल ना जाए। ध्यान रखें कि इसमें कोई लम्स या फिर जैगरी की कोई पीसेस ना बचे। अब इसमें 2 से 3 ड्रॉप चॉकलेट एसेंस डालेंगे और लास्ट में दूध। अब इन सारे वेट इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से मिक्स कर लें जब तक कि इसमें कोई भी लम्स या फिर गुड़ के छोटे टुकड़े ना बचे। इससे हमें एक स्मूथ बैटर मिलेगा जिससे हमारा केक इवनली बेक होगा। अब इसमें पहले से मिक्स किया हुआ ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। इसे हम आधे आधे डाल के इसमें अच्छे से फेंट लेंगे। अब हम इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स मिक्स कर लेंगे। हमारा चॉकलेट केक बैटर अभी रेडी हो चुका है। अब हम बेकिंग प्रोसेस की तरफ चलते हैं। सबसे पहले बेकिंग ट्रे को माइक्रोवेव प्लस कन्वेक्शन मोड में 2 मिनट के लिए प्रीहीट कर दें। प्रीहीटेड बेकिंग ट्रे को हम तेल या फिर बटर से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे और इसमें बैटर डाल देंगे। इसे आप 140 डिग्री सेल्सियस पे 12 से 15 मिनट के लिए बेक करें। आप टाइमिंग फ्लेक्सिबल भी रख सकती हैं और आप चाहें तो बीच बीच में इसे टूथपिक से चेक कर सकते हैं। अगर टूथपिक क्लीन निकला तो आपका केक बेक हो चुका है। अब
चॉकलेट सॉस की बारी। इसे बनाना बेहद ही आसान है। हमें एक कप दूध में आधा कप ग्रेटेड जैगरी और 2 टीस्पून्स कोको पाउडर डालना है। गाढ़ा सॉस बनने तक इसे चलाते रहें। चॉकलेट सॉस को इस तरह से केक के ऊपर डाल दें। हमारा डिलीशियस रैगी चॉकलेट केक अब रेडी है। एंजॉय। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू ट्राई दिस रेसिपी एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो।